हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाई फाइव स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों एक बार फिर हम आपके समक्ष बड़ी सूचना लेकर के हाजिर हो चुके। जी हां, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है मित्रों। अब आपका एग्जाम प्री और मेंस में होगा। पालीवाल कमेटी जो 2 महीना पहले बनी थी, वो अपनी रिपोर्ट जो है पूरी पूरी तरीके से सभी कमेटियों ने, सभी चयन बोर्डों ने उसके अप्लाई करने के लिए राजी भर दिया है मित्रों। एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। क्या आपका बीडीओ का एग्ज़ाम जो प्री 22 और 23 दिसंबर को होना है, वो आपका प्री और मेंस में होगा, इसके संबंध में पूरी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। उससे पहले हम चाहेंगे हमारे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगे बेल आइकॉन के बटन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में हो, आप तक हम सबसे तेजी से पहुंचा सकें। ठीक है मित्रों, तो बिना समय का नुकसान किए बढ़ते हैं सीधे हम नोटिफिकेशन की तरफ। देख लेते हैं आखिरकार क्या इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ है आयोग के द्वारा। अब ये देख सकते हैं मित्रों, नौकरी को ज़्यादा आवेदन तो दोहरी परीक्षा। जी हाँ, अगर आपके आवेदन ज़्यादा हैं तो आपके दोहरी परीक्षा यानी प्री और मेंस होगी। और कितने कैंडिडेट पे होगी, ये पूरी पूरी जानकारी लेते हैं। देख सकते हैं आप, आपके समक्ष प्रदेश सरकार ने पेपर लीक रोकने और पारदर्शी भर्ती कार्रवाई के लिए पालीवाल समिति की सिफारिशों को दी मंजूरी। ये देख सकते हैं आप, पूरी पूरी खबर लेते हैं मित्रों। प्रदेश सरकार ने विभिन्न भर्ती आयोगों और चयन बोर्डों की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने और पेपर लीक जैसी घटनाओं से बचने के लिए पालीवाल समिति की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है। सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में अधिक अभ्यर्थी होने पर, आगे देख सकते हैं आप, 2 स्तरीय परीक्षा कराने के प्रस्ताव पर भी सहमति दे दी है। चयन आयोगों और बोर्ड की अधिक अभ्यर्थी होने पर स्क्रीनिंग परीक्षा और मुख्य परीक्षा का आयोजन कर सकेंगे। जी हाँ, अगर अभ्यर्थी अधिक होंगे में तो स्क्रीनिंग परीक्षा और आपका मुख्य परीक्षा का आयोजन कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने भर्ती आयोगों और बोर्डों की भर्ती कार्रवाई को पारदर्शी तरीके से कराने, आयोजित करने और पेपर लीक जैसी घटनाओं, देख सकते हैं आप, पेपर लीक जैसी घटनाओं सेवा आयोग के कई पदों के लिए भरे, ये इधर है आपका, ये देख सकते हैं आप, पेपर लीक कराने जैसी घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन सीबी पालीवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसमें सभी भर्ती आयोग के सचिवों को बतौर सदस्य शामिल किया गया था। पालीवाल समिति ने कार्मिक विभाग को अपनी संस्तुतियाँ सौंपी थी। शासन ने संस्तुतियों को लागू करने की मंजूरी दे दी। राज्य लोक सेवा आयोग, देख सकते हैं आप मित्रों, इधर कई पदों पर भर्ती परीक्षाएं एक साथ मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया अपनाता है, पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व कई भर्ती बोर्डों में दोहरी परीक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। अब अन्य आयोगों व बोर्डों में भी यह व्यवस्था लागू होने की रास्ता साफ हो गया है। प्रविधिक शिक्षा विभाग के सूत्रों ने शासन को दिशा निर्देश प्राप्त करने की पुष्टि की है। आगे खबर ले लेते हैं हम लोग। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और कार्मिक मुकुल सिंघल की ओर से लोक सेवा आयोग ने व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष व उच्च शिक्षा प्राथमिक शिक्षा गृह ऊर्जा प्राविधिक शिक्षा के प्रमुख सचिवों व सचिवों को गाइडलाइन, देख सकते हैं आप मित्रों, गाइडलाइन भेज दी गई है। पूरी खबर इधर लेते हैं हम लोग। अब ये देख सकते हैं आप, ये बड़ा खबर है आपके लिए, जो कैंडिडेट परीक्षा देने से अभ्यर्थियों को राहत, पड़ोस के मंडल और परीक्षा मिलेगी सुविधा, है ना, ये बड़ी खबर है आपके लिए। सरकार ने अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखा है। अब एक छोर के अभ्यर्थियों को दूसरे छोर के जिलों में परीक्षा के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। सरकार ने तय किया है कि परीक्षा में शुचिता बनाए रखने के लिए परीक्षार्थियों को उनके निवास के मंडल से अलग करीब के केंद्र पर भेजा जाएगा। अगर मान लीजिए आपका इलाहाबाद निवास स्थान है, उस मंडल में आपका घर है, तो आपका एग्जाम आपके पड़ोसी मंडल, यानी अगर मान लिया जाए फैजाबाद या फिर उसके बगल में चित्रकूट मंडल, तो यहाँ आपका सेंटर जा सकता है मित्रों, या फिर बनारस में जा सकता है या गोरखपुर में आपका सेंटर जा सकता है। वहीं अगर मान लिया जाए लखनऊ आपका है, तो लखनऊ के जो हमारे कैंडिडेट होंगे उनका जो सेंटर या तो कानपुर जा सकता है या फैजाबाद मंडल में जा सकता है, सॉरी अब आपका अयोध्या मंडल, जी हाँ अयोध्या मंडल में जा सकता है। अगला चीज़ें देख सकते हैं, 28 मानक पर बनेंगे ए बी सी और डी परीक्षा केंद्र। जी हाँ, 28 मानक, 28 स्टैंडर्ड तय किए गए हैं आयोग के द्वारा, उसके बेस पर आपके ए बी सी डी व श्रेणी की परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे मित्रों। पूरी खबर इसके संबंध में हम लोग लेते हैं, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं
ये देख सकते हैं, परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति होगी। इसमें एसएसपी, एनआईसी अधिकारी, उच्च शिक्षा तकनीकी और शिक्षा नियामक अधिकारी व डीआईओस शामिल होंगे। परीक्षा अधिकारी परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे, परीक्षा केंद्र की बस, रेलवे कोषागार से दूरी, अभ्यर्थी बैठने की क्षमता सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ पूर्व में केंद्र बनाने के ट्रैक रिकॉर्ड की जाँच करेंगे। शासकीय, अनुदानित, अशासकीय और निजी संस्थाओं के रूप में केंद्र व का निर्धारण होगा। ए बी व सी डी श्रेणी के केंद्र आपके बनाए जाएंगे। मित्रों ये पूरी पूरी खबर थी। उधर पूरी खबर हम लोग ले लेते हैं अन्य, उसके साथ साथ जो भी और पालीवाल कमेटी ने सिफारिशें दी थी उसके संबंध में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने संतुष्टि दे दी है, अपनी मंजूरी दे दी है। इधर भी देख सकते हैं मित्रों आप, कक्ष निरीक्षक, कक्ष आवंटन अब परीक्षा के दिन से पहले नहीं होगा। जिस दिन परीक्षा होगा उसी दिन निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पूर्व भी रैंडमाइजेशन से ड्यूटी लगेगी। कि रैंडमाइजेशन जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, किसी का भी किसी भी कमरे में जा सकता है कक्ष निरीक्षक। परीक्षा केंद्र चयनित किए जाते हैं तो उसे प्रबंधन की दृष्टि से ब्लॉकों में बांट दिया जाएगा। ये बड़ी खबर है। और परीक्षा केंद्रों के देख सकते हैं चयन नियमित प्रक्रिया होगी। वर्ष में कम से कम एक बार केंद्रों के चयन का परीक्षण होगा। केंद्र नए जोड़े जा सकेंगे और प्रतिकूल तत्व वाले केंद्र हटाए जा सकेंगे। चयन आयोग और बोर्ड सूचना साझा भी कर सकेंगे। तो ये पूरी पूरी खबर थी मित्रों। अगर बात करें जब परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक ना हो और शुचिता कायम रहे इसके लिए शासन स्तर पर प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में एक समिति होगी। इसमें डीजीपी से संबंधित परीक्षा के प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव तथा संबंधित आयोग के राज्य स्तरीय व जिलों के डीएम, एसएसपी व डीआईओ कमेटी होगी मित्रों। ये और पूरी खबर जिला स्तर पर एडीएम स्तर के अधिकारी। तो ये पूरी पूरी खबर थी मित्रों। आपके जो है आगामी आने वाले एग्जाम में एक बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। तो मित्रों इसके बेस पे ये कहा जा सकता है कि आपका जो है बीडीओ का एग्जाम जो ग्राम पंचायत अधिकारी 22 और 23 दिसंबर को होना है मित्रों, इसके संबंध में जो है तो पूरी पूरी अभी जो कहा जाए तो आयोग के तरफ से या फिर सरकार के तरफ से जो है कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया गया कि इसमें प्रीमेंस हो सकता है। जी हाँ, लेकिन एक बात है कि ये भी आपका जो है बड़ा एग्जाम है। लगभग 24 से 25 लाख अभ्यर्थी इस एग्जाम में बैठेंगे मित्रों। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा एग्जाम है तो मे बी प्री और मेंस हो सकते हैं मित्रों। लेकिन इसके संबंध में हम अभी 100% ऑथेंटिक नहीं है कि इसमें प्री मेंस होगा। तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ करके माइंड ना करते हुए आप अपना परीक्षा दीजिए। जो भी होगा प्री हो या मेंस हो उससे क्या मतलब है, हमें तो बस परीक्षा क्वालिफाई करना है उससे मतलब है मित्रों, चाहे जितनी एग्जाम हो। तो अभी इसके संबंध में अगर कोई आयोग के नोटिफिकेशन जारी होता है कि आपका एग्जाम वीडियो का एग्जाम भी प्री मेंस होगा तो इसके संबंध में आपको पूरी पूरी जानकारी फिर से दी जाएगी। लेकिन अभी तक मैं पूरी कंक्लूजन के बेस पर ये कह सकता हूँ कि आपका वीडियो का एग्जाम जो है वो प्री और मेंस नहीं होगा। बाकी अब जो नोटिफिकेशन जारी होंगे उसके संबंध में प्री और मेंस जारी हो सकता है। अगर एक जो निश्चित सीमा के से ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं तो है ना 50,000, जी हाँ लगभग अगर 50,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में बैठते हैं या अप्लाई एप्लीकेशन होता है किसी पद के लिए किसी वैकेंसी के लिए तो आपका प्री और मेंस का एग्जाम जरूर होगा मित्रों। तो ये पूरी पूरी खबर थी। हमें और भी कोई उत्तर प्रदेश अंदर सेवा चयन आयोग के सामने खबर प्राप्त होती है तो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे मित्रों। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित ही इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप हों वहाँ पर आप इसे शेयर कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।